नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे अन्नपूर्णा किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुंबई की फेमस चीज फ्रेंकी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम रोटी के लिए डो बना लेंगे। उसके लिए लगने वाला है हमें एक कप मैदा, एक कप गेहूं का आटा और उसमें डालेंगे हम लोग एक चम्मच, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं पर मैं एक चम्मच नमक डालने वाली हूँ, और थोड़ा सा तेल ऑयल डाल लेंगे। और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंकी सभी को बहुत पसंद आती है। इसको जितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको सॉफ्ट डो बना लेना है हम लोगों को। ये आटा अभी हमारा भून के तैयार हो गया है। इसको थोड़ा ऑयल लगा के बाउल में रख देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब हम फ्रेंकी के लिए आलू की सब्जी बनाएंगे। उसके लिए 1.5 चम्मच ऑयल लेंगे और थोड़ा बटर डालेंगे। अगर बटर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल, मेरे पास था तो मैंने वो डाला। डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा सब्जी का और फ्रेंकी भी अच्छी लगेगी। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का दरदरा पेस्ट बनाया मैंने, वो डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। गैस लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। उसके बाद कम तीखी हरी मिर्च है, वो 2 मिर्च मैंने लिए, वो डालूंगी। ज्यादा तीखा होता तो बच्चे खाते नहीं, इसके लिए मैंने कम तीखी हरी मिर्च टेस्ट के लिए डाली है। इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। सुनहरा होने तक भूनेंगे उसको। आलू की सब्जी में थोड़ा कच्चा सा आलू प्याज थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। सुनहरा होने तक ही उसको भूनना है। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। फ्रेंकी का मसाला रेडीमेड मेरे पास है, वो मैं डालने वाली हूँ 1.5 चम्मच। उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम लोग स्मैश किए हुए आलू डालेंगे।
अच्छे से उसको पूरा मिक्स कर लेना, क्योंकि हम लोग जब फ्रेंकी के लिए टिक्की बनाएंगे तो उसमें पूरा स्मैश हुआ आलू ही अच्छा लगता है और अच्छा होता है वो। इसमें अभी स्वादानुसार नमक डालेंगे। मैंने 1.5 स्पून नमक डाला है, अच्छे से इसको अभी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो उसकी टेस्ट भी अच्छी आती है हरे धनिया से। अच्छे से मिक्स करके फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी 15 मिनट इसको भिगो कर हो गया है। अभी थोड़ा तेल लगा के इसको अच्छे से मल लेना है और इसकी रोटियां बना लेनी है। अभी रेडी हो गया है, क्योंकि टिक्किया है इन्हें अब अभी गैस पे भून लेंगे। थोड़ा ऑयल डाल के इनको अच्छे से सुनहरा रंग आने तक भूनेंगे। इसको पलट देंगे, इसका देखो कितना अच्छा सुनहरा रंग आ गया है। अभी इस साइड से भी इनको 2-3 मिनट तक अच्छे से सुनहरा रंग नीचे का आने तक भून लेंगे। अभी दोनों साइड से अच्छे से भून कर हो गया तो इनको अभी थोड़ा सा ऐसा करके नीचे की साइड से इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अभी अच्छे से सुनहरा रंग इनका आ चुका है। ऐसा शिमला कच्चा ना लगे इसके लिए थोड़ा सा तवे पर इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के वो सब भून देंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि प्याज और पत्ता को भी अच्छी लगती है कच्ची, पर शिमला थोड़ा सा इसको भून लेंगे तो वो खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी फ्रेंकी के लिए हम लोग रोटी बनाएंगे। रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए। हम अपने हिसाब से रोटी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ी चाहिए या छोटे साइज़ का फ्रेंकी चाहिए, बड़े साइज़ का फ्रेंकी चाहिए, उस हिसाब से हम रोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं। रोटी हमारी अभी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सेक लेंगे। जो इसका ऊपर का साइड होता है जहाँ पर हम सब्जी रखेंगे वो साइड थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सेक लेना है और नीचे का साइड को कम सेकना है। बबल्स आने के बाद इसको पलट लेना है। ये जो साइड होती है ऊपर की जिधर हम सॉस लगाएंगे और सब्जी उब्जी रखेंगे सब, उसको अच्छे से भून लेना है, और जो नीचे की साइड होती है उसको कम भूनना है। इधर थोड़ा ऑयल डाल के थोड़ा ही डालना है, कि ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितना कम करेंगे कम करके अच्छा है शरीर के लिए हमारे। रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी इसमें हम लोग सॉस लगाएंगे टोमेटो केचप। अगर आपके पास शेजवान चटनी है तो भी लगा सकते हैं, शेजवान चटनी का भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंकी खाने में। फ्रेंकी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें पनीर भी डाल सकते हैं हम लोग, पनीर फ्रेंकी, चीज़ फ्रेंकी, हर हिसाब से हम लोग बना सकते हैं।
हमने जो एक टिक्की बनाई है इधर रख देंगे, उसके ऊपर थोड़ा फ्रेंकी मसाला डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा जो हमने भुना था वो शेजवान शिमला मिर्ची डालेंगे। ये प्याज जैसा हमें पसंद है, सब्जी हो या कुछ जो हमें जितना पसंद है उतना ही डालना है। ये थोड़ा लंबा कटा हुआ मैंने पत्ता गोभी डाला है और थोड़ा ऊपर से मैं प्याज डाल देती हूँ और ऊपर से फिर से फ्रेंकी का मसाला, आमचूर पाउडर। और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसके लिए चीज़ थोड़ा मैं ज़्यादा डालने वाली हूँ, बच्चों को चीज़ मेरे बहुत पसंद है। एक चीज फ्रेंकी, वो जो लो फ्लेम पे गैस रखा है उधर थोड़ा ऑयल डाल के, ऑयल डालो, मक्खन डालो, घी डालो, कुछ भी डाल के इसको ऐसा उल्टा करके डाल देना। ऑयल साइड से डालना है, अभी इसको हम लोग कितना, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और कितना करारा हुआ है, ये खाने में भी मज़ेदार लगता है। इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा ऑयल डाल के सेक लेंगे तो ये दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी, ये फ्रेंकी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अभी दोनों साइड से फ्रेंकी अभी सेक के तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी यम्मी फ्रेंकी, चीज़ फ्रेंकी बन के रेडी हो गई है। आप सभी लोग भी टेस्ट करने के लिए आ जाइए, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप लोग ये बना के ज़रूर देखिए और अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।